नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आज हम आपको उद्घाटन समारोह की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, और ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से सामने आई है। आप अभी तक अपने दांत का इस्तेमाल खाने के अलावा किस किस चीज़ में करते हैं, अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सवाल है। लेकिन इस सवाल को सुनने के बाद आप चौंकिए नहीं, क्योंकि अजीबोगरीब शोध को जन्म देने वाली पाकिस्तान की धरती ने दांत का एक और इस्तेमाल दुनिया के सामने खोज कर निकाला है। और इस इस्तेमाल को खोजने वाले वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की पार्टी के नेता और पंजाब प्रांत के मंत्री फैयाज अल हसन चौहान हैं। भले ही पाकिस्तान के मंत्री साहब वैज्ञानिक ना हो, लेकिन दांत का इस तरह से इस्तेमाल ढूंढकर लोगों के सामने रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। बता दें कि आवाम हो या नेता, पाकिस्तानी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसे देखकर लोगों की हंसी छूट जाए। इस बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री फैयाज अल हसन चौहान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मंत्री महोदय ने रिबन काटने का ऐसा तरीका निकाला कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। जिसने भी मंत्री की इस तस्वीर को देखा अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी के नेता और पंजाब प्रांत के मंत्री फैयाज अल हसन चौहान कहीं उद्घाटन करने के लिए गए थे और वहां उनको रिबन काटना था, और जैसे ही उन्होंने रिबन काटने की कोशिश की कैंची ने धोखा दे दिया। इस पर मंत्री महोदय ने रिबन को पकड़ा और तपाक से उसे अपने दांतों से उसे दबोचते हुए रिबन को काट लिया। मंत्री जी की इस तरीके को देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगे। रिबन काटने के इस देसी स्टाइल वाले वीडियो को पाकिस्तान डेली के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, और पंजाब प्रांत के जेल मंत्री फैयाज अल हसन चौहान एक शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां उन्हें फीता काटना था, लेकिन आखिरी वक्त पर कैंची ने धोखा दे दिया। मंत्री ने एक दो बार प्रयास भी किया मगर कैंची चलने को तैयार ही नहीं थी। इस पर फैयाज ने रिबन को हाथों से पकड़ा और अपने दांत से ही उसके दो हिस्से कर डाले। मौके पर मौजूद लोग मंत्री जी का यह कारनामा देख खुश हो गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स मंत्री के उनके बगल में थाली लिए खड़ा है और उन्हें रिबन की काटने की जद्दोजहद करते देखता है। मंत्री महोदय कैमरे को देखते हैं, फिर रिबन काटने लगते हैं, लेकिन कैंची नहीं चलती। इस पर वो रिबन को अपने दांतों से दबाते हैं और फिर एक बार कैंची आजमाते हैं, मगर इस बार भी कैंची नहीं चलती। इसके बाद वो शख्स को कैंची थमाते हैं और अपने दांतों से ही रिबन को दो टुकड़े कर डालते हैं। बहरहाल, पाकिस्तानी मंत्री के इस शोध पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर।